One more interesting question that can be explained by Newton's third law of motion, and the question is how a swimmer swims. कोई अगर पानी में तैरता है तो वो कैसे पॉसिबल है? तो मान लो दिस इज पानी, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक स्विमर है, वो स्विम कर रहा है, ठीक है. तो जब कोई स्विमर स्विम करता है वो एक्चुअल में क्या कर रहा होता है वो समझते हैं. तो जैसे ये पानी है मान लो और मैं स्विमर हूं, तो मैं पानी को इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करती हूँ. मैं क्या करती हूँ, पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करती हूँ, ये मेरा एक्शन है. मैंने पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया तो पानी क्या करेगा, पानी मेरे को, मुझे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स से फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, विच इज द रिएक्शन ऑफ वॉटर. एंड ड्यू टू दिस रिएक्शन ऑफ वॉटर मैं आराम से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाऊंगी. क्या बोला मैंने, जब भी मैं तैरती हूं तो मैं पानी को एक्चुअल में बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही होती हूँ, ये मेरा एक्शन है. मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया पानी के ऊपर, पानी भी मेरे ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाएगा, और मेरे पर इक्वल फोर्स लगाएगा तो मैं आगे मूव कर जाऊंगी. ओके, तो ऐसे एक स्विमर स्विम करता है. आपने देखा होगा जैसे बोट है, बोट अगर आपको पानी में चलानी है तो वो जो चप्पू होते हैं ना जिसकी मदद से ऐसे बोट बोट को चलाया जाता है, उससे जो जो नाव चलाने वाला होता है वो उन चप्पुओं से पानी को पीछे की डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाता है पानी के ऊपर, है ना. वो पानी के ऊपर फोर्स लगाता है तो पानी भी उस बोट के ऊपर फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, विच मेक्स द बोट टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन मतलब इस चीज की एक्सप्लेनेशन न्यूटन का थर्ड लॉ देता है. एक बच्चों को बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, ये मुझे पहले बतानी चाहिए थी बट अब मैं आपको बताती हूँ. बच्चे ऐसे समझते हैं कि ये फोर्स इक्वल होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, व्हाई डोंट दे कैंसिल आउट ईच अदर, ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है फिर. बच्चों को ये बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर मैं ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, राइट, मैं ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्राउंड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्सेस को कैंसिल आउट हो जाना चाहिए. These things don't work like that. क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. पहला ग्राउंड के ऊपर आपके पैर फोर्स लगा रहे हैं और दूसरा ग्राउंड आपके पैरों के ऊपर, मतलब आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. अगर ये फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे होते तो ये कैंसिल आउट हो जाते. कैसे, देखो बैलेंस्ड फोर्सेस का केस याद करो जो हमने पढ़ा था. मान लो ये ब्लॉक है, जमीन पे रखा हुआ है, ये ब्लॉक के ऊपर, मतलब ये जमीन इस ब्लॉक को mg फोर्स से खींच रही होगी नीचे, राइट, और एक नॉर्मल फोर्स भी इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा. अब ये दोनों फोर्सेस सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, सेम ब्लॉक के ऊपर, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा, है ना. लेकिन अगर मैं एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करूं तो वो तो हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रहे होते हैं, राइट. हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाता है, विच इज फोर्स ऑफ फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक्स. फिर ग्राउंड इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाती है. These both the forces are equal in magnitude, that's why the box is not moving. लेकिन ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रहे हैं, they are action reaction forces. लेकिन यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्स लग रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं. यहाँ पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लग रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो सकते. अगर भाई आप चल रहे होते, ठीक है, और ऐसा होता कि ग्राउंड ही आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, राइट, और उधर से मान लो ये एक बॉक्स है, इसको आप इस डायरेक्शन में भी पुश कर रहे हो, इधर से कोई और भी पुश कर रहा है, फोर्स लग बॉक्स के ऊपर ही रहा है,
तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप? लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, एक ही ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, दैट्स व्हाई दे डोंट कैंसिल ईच अदर। ठीक है, ये बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है इस चीज में। तो हमने समझ लिया कि हम चलते कैसे हैं, एक स्विमर स्विम कैसे करता है, बोट पानी में कैसे चलती है। अब हम समझेंगे कि जब गन चलती है तो जैसे गन से बुलेट निकल गई तो गन पीछे क्यों मूव करती है, उस चीज को समझते हैं। सो सवाल है, व्हाई अ गन रिकॉइल्स। रिकॉइल्स बस यही है, थोड़ी साइंटिफिक टर्म हो गई। गन से जब बुलेट निकलती है तो पीछे क्यों जाती है, तो यहाँ पर एक गन बना लेते हैं AK-47। ठीक है, यहाँ से मान लो बुलेट निकल रही है, सोते बुलेट, ठीक है मान लो। चलो अब देखते हैं कि ये गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव क्यों करेगी। सी, जब ये बुलेट इस गन से निकल रही है तो क्या हो रहा है, ये गन इस बुलेट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है, विच इज एक्शन फोर्स। ठीक है, इस बुलेट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, सो दिस बुलेट विल ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। तो ये बुलेट क्या करेगी, एक रिएक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लगाएगी, दैट्स व्हाई अ गन रिकॉइल्स। लेकिन अब ये सवाल है कि भाई जब ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, हालांकि डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो ये इतनी सी बुलेट इतनी दूर क्यों चली जाती है और गन तो थोड़ी सी रिकॉइल करती है। दिस इज ड्यू टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमने पढ़ा था ना, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मैं इस चीज को इस तरह लिख सकती हूँ, F अपॉन M इज इक्वल टू A, लिख सकती हूँ भाई, ये m इधर आ गया मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा और a वहीं का वहीं, मैंने लिख दिया। तो हमें दिख रहा है मास और एक्सेलरेशन में इनवर्स का रिलेशन है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा तो वो कम एक्सेलरेट करेगा और अगर मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। यहां पर भी वही केस है, देखो बुलेट होती है छोटी सी, उसका मास होता है कम, तो अगर उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसका मास कम है तो वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगी, लेकिन हमारी गन का मास ज्यादा है, फोर्स दोनों के ऊपर बराबर लग रहा है, ये ज्यादा आगे जाती है क्योंकि इसका मास कम है, ये थोड़ा सा ही पीछे आती है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, सिंपल एज दैट। तो जब भी एक गन चलती है, वाई इट रिकॉइल्स, क्योंकि जब भी बुलेट गन से निकल रही होती है, बुलेट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है विच इज एक्शन फोर्स, तो वो बुलेट भी बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारी गन के ऊपर एक फोर्स लगाती है विच इज रिएक्शन फोर्स, एंड ड्यू टू दैट फोर्स अ गन रिकॉइल्स। ओके, चलिए अब हम देखेंगे कि हाउ रॉकेट्स फ्लाई, रॉकेट्स एक्चुअल में कैसे फ्लाई करते हैं। देखो यहां पर ये रॉकेट है, यहाँ पर उसका इंजन होता है ना, इंजन में से बहुत सारी गैस हीट एनर्जी निकल रही होती है, राइट? तो क्या होता है, ये जितनी भी गैसेस निकल रही होती हैं, ये सारी गैसेस नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती हैं, विच इज एक्शन फोर्स, और इस एक्शन फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगता है, और इस रिएक्शन फोर्स की वजह से ही हमारा रॉकेट ऊपर जाता है, जितनी भी गैसेस यहाँ पर बर्न हो रही होती हैं, जो भी एयर यहाँ पर होती है, ठीक है, तो एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा फोर्स लगाती है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, तो जब तुम्हें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोर्स लगाएगा तो उसका एक रिएक्शन फोर्स भी होगा, राइट? तो एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है तो रॉकेट के ऊपर भी अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगता है, दैट्स व्हाई अ रॉकेट मूव्स। देखो एक बलून में अगर तुम हवा भर के छोड़ दो,
ठीक है, तो ये बलून भी मूव करने लग जाता है, अंदर बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स हैं, वो सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, एक्शन फोर्स, और इस एक्शन फोर्स के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगता है विच इज रिएक्शन फोर्स, एंड ड्यू टू दिस रिएक्शन फोर्स द बलून मूव्स अपवर्ड्स। सिंपल एज दैट। तो हमें पता चल गया रॉकेट्स कैसे फ्लाई करते हैं एक्शन रिएक्शन की वजह से, जो यहाँ पर एयर होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, और जब वो एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है एक रिएक्शन फोर्स भी लगता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इनेबल्स द रॉकेट टू मूव अपवर्ड्स। सेम मैकेनिज्म हमारे बलून का भी है। मान लो ये एक बोट है, दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज योर मैन। तो जब भी बोट से कोई भी इंसान उतरने की कोशिश करता है, बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। क्यों? ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन। देखो क्या होता है, जब भी हम बोट से उतर रहे होते हैं, हम एक्चुअल में बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, बोट को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, क्योंकि हमें पता है चलने के लिए, है ना, टू मूव फॉरवर्ड वी हैव टू पुश थिंग्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम बोट से उतरने के लिए बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, तो बोट भी हमारे ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है इस डायरेक्शन में, एक्शन के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं। अब अगर ये बोट ना होके जमीन होती तो ये मूव नहीं कर रही होती, हम इसके ऊपर फोर्स लगाते और ये हमारे ऊपर फोर्स लगाते, हम आराम से इधर आ जाते। लेकिन ये बोट पानी के ऊपर तैर रही है, इसलिए ये बोट हमारे एक्शन की वजह से पीछे जाने लग जाती है। ऑल्दो ये हमारे ऊपर रिएक्शन लगाती है, लेकिन ये किसी भी कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं यार, ये बोट किसी भी सरफेस से अटैच्ड नहीं है, ये सिर्फ पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, इसलिए जब हम इसे पीछे के डायरेक्शन में पुश करते हैं ये बोट पीछे जाने लग जाती है, लेकिन हमारे ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एग्जर्ट करती है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू विच वी आर एबल टू जंप ऑफ द बोट। ओके, ये एक्सप्लेनेशन आपकी एनसीईआरटी में बहुत ब्यूटीफुली गिवन है, एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड आउट करना। ओके चलिए, एक और चीज देख लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे समझ ही नहीं पाते कि किस बारे में बात हो रही है। होस पाइप का मतलब क्या होता है, जो फायरमैन होते हैं उनके पास वो पानी का पाइप नहीं होता आग बुझाने वाला, उसे होस पाइप बोला जाता है। होस पाइप को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत तेजी से पीछे जाने लगता है, ये भी एक्शन रिएक्शन की वजह से। ये जो पानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पानी इधर एक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये पानी हमारे होस पाइप के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड ड्यू टू विच दिस होस पाइप विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फायरमैन के लिए होस पाइप को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पानी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो एक्शन फोर्स लगा रहा होगा, जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, एंड ड्यू टू दिस फोर्स द होस पाइप बिकम्स अनस्टेबल। इसलिए एक फायरमैन के लिए होस पाइप को हैंडल करना काफी मुश्किल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू हैंडल अ होस पाइप, यू हैव टू राइट कि भाई जो भी उस पाइप से पानी निकल रहा होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो एक्शन फोर्स लगा रहा होता है, जिसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो होस पाइप मूव करने लगता है, है ना, इस होस पाइप के ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने अभी काफी सारी एक्सप्लेनेशन देख ली थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन बनेगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल इसमें है नहीं,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो टॉपिक हम करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, उसके क्वेश्चन उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उससे काफी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को इतना ही रखेंगे। आई होप आपको न्यूटन का थर्ड लॉ क्लियर हो गया होगा, है ना। तो एक बार एक काम करना, एनसीईआरटी से थर्ड लॉ को रीड आउट जरूर कर लेना, क्योंकि ये चीजें, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके दिमाग में छप जाएंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस होता है थर्ड लॉ से, तो हमें एक भी मार्क्स लूज नहीं करना। तो आप अपनी तैयारी पक्की रखें, एनसीईआरटी को एक बार रीड आउट जरूर करें। आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में अपने इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक के साथ, जो होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।